वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस तरह के स्पंजी रसगुल्ला बनाने के लिए वीडियो में बने रहे और हम बताएंगे आपको इस तरह का स्पंज रसगुल्ला बनता कैसे है। और पूरा ही ये स्पंज है और प्योर गाय का दूध का रसगुल्ला है। और उसके लिए सबसे पहले हमको दूध गर्म कर लेना है। हमने दूध गर्म कर रहे हैं मशीन में। अगर मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर ले ताकि हर वीडियो आसानी से आपको मिलते रहे। और दूध हो गया था गर्म, हमने दूध को फाड़ लिया छेना पानी से। अब चाहे तो विनीगर से भी फाड़ सकते हैं। और ये अच्छे तरीके से फाड़ लेना है। देखिए दूध मेरा फट रहा है धीरे धीरे। और दूध यह देखिए फट चुका है मेरा दूध बढ़िया से। और इसको हम साफ कपड़ा सूती में छान लेंगे अच्छे से। और इससे पहले हम चाशनी बना लेंगे। देखिए चीनी का घोल जिसमें हमको रसगुल्ला बनाना है, ये देखिए। और ये देखिए फाइनली चाशनी बन के रेडी हो चुका है। देखिए इसका गाद जो होता है मैल चीनी का, उसको अच्छे तरीके से निकाल लेना है ताकि पूरा साफ रहे। और यह देखिए जो चाशनी उसमें से निकाल लिए हैं और थोड़ा सा रसगुल्ला डाल निकलने के लिए, देखिए चाशनी। और हमने जो कपड़ा में छेना छाना था उसको हम पीस रहे हैं देखिए अच्छे से। देखिए बढ़िया से पीस लेना है, इसमें दाना नहीं होना चाहिए तभी यह रसगुल्ला स्पंज होगा। हमने लोई काट लिया है, आपको जितना बड़ा साइज बनाना है उस हिसाब से काट ले गुच्ची को। और इस तरफ से राउंड कर लेना है गोल गोल, आपको जैसा भी चाहिए वैसा बना सकते हैं इसको। और यह देखिए जो चाशनी रेडी था उसमें हमने गोल किया हुआ रसगुल्ला डाल दिए हैं। और यह देखिए चाशनी में उबाल आ चुका है। ये देखिए उबल रहा है, कितना मज़ा आ रहा है देखने में। ये देखिए उबाल आ चुका है हमारा रसगुल्ला में, इतना बढ़िया तरीके से फूट रहा है। और ये देखिए इसको बीच बीच में चलाते रहना ताकि एक दूसरे से चिपके नहीं। और ये देखिए रसगुल्ला फूल रहा है, कितना मस्त स्पंज रसगुल्ला, प्योर गाय का दूध का रसगुल्ला है। ये देखिए कितना मस्त लग रहा है ना गोल गोल रसगुल्ला, देख के तो मुंह में अभी से ही पानी आ रहा है। और रसगुल्ला निकालने के लिए हम रस बना रहे हैं, ये देखिए उसमें निकाल रहे हैं। इसमें थोड़ा सा गर्म पानी रहता है, आधा पानी गर्म रहता है उबला हुआ और आधा रस चाशनी। ज़्यादा मोटा रहने के बाद ना रसगुल्ला हार्ड हो जाता है, इसीलिए पतला चाशनी रखे। देखिए कितना मज़ेदार रसगुल्ला है यार।